हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन। अगर ये अपन को दिए हो तो अपन किस प्रकार करते हैं, एक मिनट। हाँ, ये नहीं है, सॉरी, अपना ये कॉन्सेप्ट रह रहा है, पीछे ये पड़ेगी। पहले क्या दे रखा है इसमें, हाँ, व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। जब अपन को क्या दिए थे कि टू साइड्स, अगर आपको टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, पिछली अपने क्या पढ़ा था, वहां पे अपने को डायगोनल दे रहे थे, फोर साइड्स दे रहे थे और टू डायगोनल्स अपने को दे रहे थे। इस कंडीशन, इस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। जब अपन को क्या टू डायगोनल दे दे और थ्री साइड्स दे, तब अपन क्या करते हैं, तो अपन इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। तो अपन देखो किस प्रकार करेंगे, देखो एक्सरसाइज नंबर 4.2। देखो 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल LIFT, क्वाड्रिलेटरल LIFT क्या करना है अपन को इसमें, क्वाड्रिलेटरल LIFT। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या करना है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें अपन को गिवन क्या कर रखा है, गिवन देखो, गिवन क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, LI कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। गिवन कितना दे रखा है, LI कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद देखो आपको IF कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। IF कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद देखो TL कितना दे रखा है, TL कितना दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अपन को आपको LF कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे, LF कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में अपन को IT कितना दे रखा है, IT आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, IT 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, IT 4 सेंटीमीटर दे रखा है। टू कंस्ट्रक्ट, अपन को कंस्ट्रक्टिंग क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LIFT, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल LIFT, ये अपन को क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट, LIFT क्वाड्रिलेटरल एक कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद देखो ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर। ड्रो में जो जैसे जैसे लिखा रहा हूं नोटबुक में लिख लें, ड्रो ए लाइन सेगमेंट, ड्रो ए लाइन सेगमेंट LI क्या दे रखा है, LI कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे, कितना दे रखा है, LI कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप यहां क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट इस प्रकार आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, ठीक है, LI जिसको आप क्या नाम देंगे, एक मिनट मैं इसको इससे ड्रॉ कर देता हूं। ये आपने क्या क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया आपने, ये पॉइंट इसको दे दिया L, इसको दे दिया I, इसे क्या नाम दे दिया I, इसकी लेंथ कितनी बता दी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेकिंग ए रेडियस, सेम ही बात है, टेकिंग ए रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, टेकिंग एल एज सेंटर, ये आपको आर्क क्या करना है, ड्रॉ करना है ए सेंटर लेते हुए, ठीक है। ड्रॉ टेकिंग एन रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, देखो कितनी रेडियस लेना है, 4.5 सेंटीमीटर एक रेडियस लेनी है और एल को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है, क्या करना है, एक आर्क आपको ड्रॉ करना है, क्या करना है, एल को सेंटर मानते हुए एक आर्क आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। कितना, 4.5 सेंटीमीटर का, एंड एक आरक आपको इस प्रकार ड्रॉ करना है, फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का, ये लो मैंने एक आरक यहां से एक इस प्रकार आरक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन में
उसमें क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन में देखो, थर्ड कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर टेकिंग एल ए सेंटर, सॉरी आई एज सेंटर, एल आई एन आई एज सेंटर, उसके बाद क्या दे रखा है, विद इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट एफ, विद इंटरसेक्ट विद इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट एफ, यानी पहले आर्क को कहां पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, एफ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहां से सेंटर मानते हुए, और अपन को 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है, ये लो आर्क ड्रॉ कर दिया, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का एक आर्क अपने ड्रॉ कर दिया, और फिर अपन को क्या करना है, एल को इस पॉइंट को जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अपन क्या मान ले, एफ मान लेते हैं, उस पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, और एफ ले आप इस एल को, एल को एफ से मिलाएंगे और एल को आई को एफ से मिलाएंगे, और जब अपन इसको यहां से मिलाते हैं, किसको, जब अपन इसको यहां से मिलाते हैं, और इस पॉइंट को अगर अपन यहां से मिलाते हैं, इस पॉइंट को यहां से मिलाएं, ये अपने काम किया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके जॉइन एफ एल एंड एफ आई एंड एल एफ, उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड जो कंडीशन है उसमें क्या लिखना है, जॉइन जॉइन एल एफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड पॉइंट पे उसमें देखो क्या, उसमें बाद क्या करना है, ड्रॉ अनदर आर्क, उसके बाद लिख रहा है ड्रॉ अनदर आर्क, अनदर आर्क, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर टेकिंग, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर टेकिंग एल इज सेंटर, एल इज सेंटर, उसके बाद क्या, एल इज सेंटर, सेंटर विद इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट एफ, ये तो हो गया, एल इज सेंटर एंड 4 सेंटीमीटर टेकिंग आई इज सेंटर एंड अनदर एंड 4 सेंटीमीटर आई एज सेंटर, ठीक है, उसके आई एज सेंटर विद इंटरसेक्टिंग, विच इंटरसेक्ट कहां पे, टी पे, ये आपको क्या करना है, एल को सेंटर मानते हुए ड्रॉ ए अनदर आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का आपको आर्क ड्रॉ करना है, इसकी लेंथ अपन को कितनी मिली थी, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर की लेंथ, ये इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ लेंथ कितनी थी, इसकी ड्रॉ अनदर आर्क पीछे रह गया क्या, हाँ इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी 4.5 सेंटीमीटर थी, कितनी है 4, अब इसकी 2.5 है, इसको अपन को टी, ये पॉइंट आपको क्या लेना है, व्हिच इंटरसेक्ट टी ले रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट लेना है, और इसकी देखो 3 सेंटीमीटर, तो इस वाले की जो रेडियस होगी उससे तो कमी होगी ना, तो ये लगभग यहाँ पे होगी, इस जगह इस पॉइंट एकदम बराबर हो रहा है, थोड़ा इस पॉइंट में होगी इसकी, ये से आर्क ड्रॉ करेगा, इसको आपको यहां से मिलाना है, इसको मैं यहां कर देता हूं, इसको आपको 4, आपको आई को सेंटर मानते हो और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना, एक ही होगा, यहाँ पे पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क ये ड्रॉ कर देंगे और एक यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, एक मिनट, इस पॉइंट को इससे मिला दो, ठीक है, और फिर इस पॉइंट को आप इससे मिला दो, ये लो, ये अपना क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसमें सॉरी इसको इससे मिलाना है ना, इसको आप इससे मिला दिया, और इसको भी मिलाना है आपको, इस डायगोनल को भी इससे आपको मिलाने का काम करना, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, ठीक है, हाँ बस इतना सा, ये ए क्या होता है, एल बी एल आई एफ, ये पॉइंट टी है,
ये क्या हो जाएगा, एल आई एफ टी ए क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो टू है वो देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखो सेम ही है, एक में रोमबस। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपका इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका क्या दे रखा है देखो, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड देख लो, थर्ड तो वैसा ही होगा ना। हाँ तो इसमें देखो थर्ड अपने पीछे किया था ना रोमबस बी एन डी, जैसे बी एन को 5.6 सेंटीमीटर लेना है और डी ई आपको कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार होगा जैसे मैंने बताया था, तो आप कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन। ठीक है, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन तो क्या होता है। ठीक है, आपको क्या दे दे, टू एडजेसेंट साइड्स दे दे एंड थ्री एंगल्स। एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड, कौन सी एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड, ये वाली साइड और इसके वाली साइड, ये एडजेसेंट साइड होगी। ठीक है, व्हेन क्या, When, when two adjacent sides and three angles are known, तब अपन क्या करते हैं? When two adjacent sides, two adjacent sides दे दे और three angles दे दे, तब अपन क्या करते हैं? देखो, इस condition में अपन क्या करते हैं? इस condition में, देखो, question देखो इसके four question total में question बताता हूँ। First question देखो इसका, देखो एक question कर लेते हैं तो आपको हर एक conditions आपको समझ में आ जाती है क्या अगर। क्वेश्चन फर्स्ट नहीं बताऊंगा मैं, क्वेश्चन बताऊंगा आपको फर्स्ट आप करें, सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या देगा, क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन। क्या थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखो आप, इसमें इसमें अपन को क्या दे रहा है, गिवन क्या कर रखा है, पी एल इज इक्वल टू क्या दे रखा है, गिवन गिवन क्या क्या कर रखा है अपन को, गिवन पी एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और एल ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एल ए, एल ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और एंगल पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल पी, एंगल पी दे रखा है आपको 90 डिग्री, एंगल पी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। और एंगल एन कितना दे रखा है, एंगल एन कितना दे रखा है, 85 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 85 डिग्री दे रखा है। तो एक कंस्ट्रक्ट अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है अपन को, एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अपन को क्या करना है, पी एल ए एन, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, पी एल ए एन, इस प्रकार अपन को क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा साइड में लगा देता हूँ। हाँ, ये अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आप मैं यहाँ पे जो कुछ लैंग्वेज लिखूंगा, हाँ इसमें आप देखो एक फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आप फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी एल इज इक्वल टू, draw a line segment PL is equal to कितना रखें, draw a line segment PL is equal to कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ये आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, इस प्रकार आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ये आपको क्या करना है, एक PL आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ये पॉइंट P ले लिया और ये पॉइंट आपने क्या ले लिया, एल ले लिया, ये आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पी एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी, कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या करना बताऊंगा मैं आपको, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी, एट पी एंड प्रोड्यूस द साइड पी एन, एंड प्रोड्यूस द
साइड पी है। आप अब देखो 90 डिग्री एंगल, आप आपको पता है कि कौन से एंगल अपन कंपास के द्वारा बनाते हैं और कौन से एंगल अपन प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं, इस बात का आपने सीखा होगा सिक्स और सेवन क्लास में, इन क्लास इनके बारे में आपने सीखा होगा कि कौन से एंगल अपन, यानी कौन से एंगल अपन कंपास की हेल्प से बनाते हैं, कौन से एंगल अपन कंपास की हेल्प से बनाते हैं और कौन से एंगल अपन प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं। हाँ, कौन कौन से एंगल ये आपने सीखा होगा। तो स्टूडेंट कंपास की हेल्प से वही एंगल बनाते हैं जो एंगल क्या हो 15 के मल्टीपल हो, यानी जो एंगल 15 के मल्टीपल होते हैं वो सभी एंगल क्या है बन सकते हैं कंपास की हेल्प से बन सकते हैं, अन्यथा जो भी एंगल रहते हैं वो कंपास की हेल्प से नहीं बनते। ठीक है, जो एंगल जैसे आपको बोले कि 15 के मल्टीपल, जैसे 15 डिग्री एंगल है ये किससे बन सकता है, ये कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। 15 का मल्टीपल 30 डिग्री ये भी कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। 45 डिग्री ये भी कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। 60 डिग्री ये भी क्या है कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। 75 डिग्री ये भी क्या है कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोले कि 90 डिग्री ये भी कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। 105 डिग्री ये भी कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। 120 डिग्री, इस प्रकार जितने भी एंगल 15 के मल्टीपल होते हैं वो सभी एंगल कंपास की हेल्प से बना सकते हैं, और जो एंगल 15 के मल्टीपल नहीं होते उनको अपन कंपास की हेल्प से कभी भी नहीं बना सकते। जैसे आपको बोल दे कि आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये जो एंगल बनाएंगे तो ये एंगल बनाएंगे आप प्रोटेक्टर की हेल्प से। जैसे आप 30 प्रोटेक्टर ऐसा होता, ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है, इससे कितना होता है 90 डिग्री का, तो 30 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा अपना, इस जगह 30 इससे कम बनेगा थोड़ा सा, इस जगह अपना क्या बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल अपना कितना 90 डिग्री है, इस कंडीशन में अपना जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। अब आपको बोल रहे कि कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, आप इस प्रकार एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले, इस प्रकार एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इस लाइन सेगमेंट से एक पॉइंट यहां से ले, इस प्रकार ले एक पॉइंट, और फिर आप अपने कंपास को अपनी मर्जी से ओपन कर ले, ये आपने ओपन किया, ठीक है, फिर आपने कंपास का पॉइंटर यहां रखा, इसको फिर कंपास को आपने मर्जी से ओपन किया यहां रखा, ठीक है, फिर इस कंपास के पॉइंटर को यहां पे रखे और एक आर्क यहां ड्रॉ कर दे, उसके बाद आप चले एक आर्क आप यहां ड्रॉ कर देंगे ये हो गया, और दूसरा आर्क आप यहां ड्रॉ कर दें और तीसरा आर्क आप यहां ड्रॉ कर दें, इस प्रकार अगर आप आर्क ड्रॉ करते चलेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा इस, यानी एक आर्क आपने इस कंपास के पॉइंटर को यहां पे रखा, एक आर्क यहां ड्रॉ किया, फिर जितना कंपास अपना ओपन था और फिर एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, ये आर्क थोड़ा सा इस कंडीशन पे है, इस कंडीशन पे, ठीक है, और ये आर्क थोड़ा सा यहां पे आएगा, ठीक है, ये तो एकदम सही है, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे इसको यहां से मिला दें, जब आप इस पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो मैं बताऊंगा कितने डिग्री एंगल बनेगा, इसको यहां से मिला दें, इसको आप क्या करेंगे यहां से मिला दें, ठीक है। अब ये जो बनने वाले जो एंगल है, ये जो एंगल्स बने हैं तो कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे इस बात का अपन को पता होना चाहिए। ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, पहला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। अब बात करें ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का हो गया। ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। और जो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको क्या करना है, अब अपने ये सीखा कि 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, पॉइंट पी को आप 90 डिग्री एंगल कहां बनाएंगे, इस प्रकार 90 डिग्री एंगल आपका यहां बन जाएगा, उसी सिचुएशन से आप यहां पे कंपास को ओपन कर ले अपनी मर्जी से, एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे और दूसरा आर्क आप यहां ड्रॉ करते हैं, दूसरा आर्क आप यहां ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको पी एन इसको यहां से मिला दें, ठीक है, हाँ ये आर्क इसको इस फॉर्म में था, ठीक है, इस पी एन को यहां से मिला दें, ठीक है, ये एंगल अपना कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखो इस पॉइंट पी एन को रखना है आगे, नेक्स्ट कंडीशन से आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, यानी नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या दे रखा है, एक मिनट, 60
हाँ ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, आगे लिखना है कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी एंड प्रोड्यूस टी, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री एंग, अब आगे क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री, एंगल ऑफ 75 डिग्री ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री ठीक है एट एल, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री एट एल एंड विद एल एज ए सेंटर, एंड एट एल विद एल एज सेंटर, एल को किस रूप में मानते हुए, सेंटर के रूप में मानते हुए एक एंगल अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है कितने डिग्री का, 75 डिग्री का ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट कहां पे इंटरसेक्ट करता है, एट ए, विच इंटरसेक्ट एट एट। हाँ जी, अब अपन को क्या करना है, एल को सेंटर मानते हुए अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आपको पता है 75 डिग्री वो 15 का मल्टीपल, तो ये जो एंगल बनेगा वो कंपास की हेल्प से बनेगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से अपन नहीं बनाना है अपन को। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले आप बताओ यहां जो एंगल बनेगा, इस साइड में अगर कंपास को मैं ओपन करता हूं, इस साइड में कंपास को रखता हूं और एक आर्क में यहां ड्रॉ कर लेता हूं ठीक है, एक आर्क में यहां ड्रॉ कर लूंगा ठीक है, उसके बाद एक आर्क में अगर यहां से रखता हूं, इसको यहां पे रखता हूं, जितना कंपास यहां पे ओपन था, उसके बाद एक आर्क में यहां ड्रॉ कर लेता हूं ठीक है, उसके बाद एक मिनट, एक आर्क में यहां ड्रॉ कर लिया, दूसरा आर्क मैंने यहां ड्रॉ किया, इसको रखते हुए यहां ड्रॉ किया, दूसरा आर्क मैंने यहां ड्रॉ किया और तीसरा आर्क मैंने इस प्रकार यहां पे ड्रॉ किया। तो जो अपना ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, ये जो अपना 75 डिग्री एंगल है वो किस किस के बीच में आता है, ये 60 और 90 के बीच में आता है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे रख के, 90 डिग्री का जो आपने आर्क काटा उस आर्क पे रख के और एक 60 डिग्री के आर्क पे रख के एक आर्क और काट दे, इनके बीच में एक आर्क और काट दे, और इस पॉइंट को जब आप मिला देंगे, इस पॉइंट को जब आप इस प्रकार मिला देंगे, ये वाला इस पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, इस पॉइंट को जब आप मिला देते हैं, थोड़ा सा एकदम ये आर्क यहाँ पे आएगा, ये आर्क यहाँ पे आएगा, ये आर्क क्या है यहाँ पे आएगा, और इन दोनों आर्क इस पॉइंट एल को इस आर्क से जब आप मिला देते हैं, पॉइंट एल को जब इस आर्क से आप मिला देते हैं ठीक है, तो आपका ये एंगल 75 डिग्री हो गया, एंड ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा। उसके बाद देखो आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आगे आपको मैं नेक्स्ट लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, उसमें आप जानो, उसमें जो नेक्स्ट लैंग्वेज है उसमें थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या लिखना है, देखो कंस्ट्रक्ट एंगल ए, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए 100, कंस्ट्रक्ट एंगल ए, फिर इसमें अपन को एक कुछ बात नहीं लिखी अपन, हाँ आपको क्या करना है, उसकी जो रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर लेनी है आपको ठीक है, इसकी पीएन की कितनी दे रखी है, पीएन की अपन नहीं पता कितनी लेंथ दे रखी है, पीएन की बुक में दे रखी है क्या, इसमें ये पॉइंट ए लेना है आपको, इस पॉइंट को क्या नाम देना है, ए देना है, वो एल ए, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर रखनी है, कितनी रखनी है, 6 सेंटीमीटर आपको रेडियस रखनी है आपको ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपको रेडियस इसकी रखनी है ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मिनट आगे थर्ड कंडीशन आपको क्या दे रखा है, थर्ड कंडीशन आपको क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए 110 डिग्री एट ए एंड प्रोड्यूस द साइड ए एन, द साइड ए एन विद इंटरसेक्ट एट एन विद
with intersect at n. An intersect PN at n. Intersect PN at n. हाँ, आपको क्या करना है, 110 डिग्री का एंगल बनाना है. 110 डिग्री एंगल कैसे बनाए, ये आपका क्या है 180 डिग्री, ठीक है. 110 डिग्री, ये आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है. आप बताओ 110 डिग्री का एंगल यहां से अगर बनाना स्टार्ट करते हैं, आप कौन से साइड से अगर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इस जगह 110 डिग्री कितना, 110 डिग्री है. तो जो अपना 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री 15 का मल्टीपल है, मल्टीपल नहीं है 15 का. तो ये एंगल कंपास की हेल्प से तो नहीं बना सकते अपन, तो किसकी हेल्प से बनाएंगे, प्रोटेक्ट रखेंगे. आप यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट रखते हैं, मान लो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट रखा आपने, तो इस प्रकार आपका जो एंगल बनेगा वो इस यहाँ पे आपका एकदम इस चीज में तो आपका 90 डिग्री आता है इस जगह, तो ठीक है. तो 110 डिग्री तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ कहीं पे इस जगह, तो 110 डिग्री कहाँ पे आएगा, इस कंडीशन पे बनेगा. यहाँ आपने प्रोटेक्ट रखा, इस जगह तो आपका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप मिला देते हैं, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 110 डिग्री का बनेगा. तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे, इस पॉइंट को यहाँ से अगर मिला देता हूँ, कंपास की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इस एंगल को बना ले, और तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 110 डिग्री बनेगा. कितना बनेगा, 110 डिग्री बनेगा. तो आप अब ये एंगल भी बता सकते हैं कितना होगा, ये 110 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल है वो भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं. तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा, कि जिसे आपको पता है क्वाड्रिलेटर की जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है. तो ये वाला एंगल है 360 में से अगर आप इन थ्री एंगल्स को माइनस कर देते हैं तो एंगल एन आ जाएगा. कितना आएगा एंगल एन, वो आएगा 360 में से अगर माइनस कर देते हैं कितना, 110 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस कितना 90 डिग्री. अगर इनको आप माइनस कर देंगे तो आपका जो एंगल आया वो कितना आएगा, 75 डिग्री. ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 75 डिग्री, ठीक है. तो अपने इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर लिया स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करें या फिर करें. क्वाड्रिलेटर ये हो गया, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना ही, बाय.